हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड चुस्की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा कुकरेती। तो वक्त हो चुका है एंटरटेनमेंट जगत की तड़कती भड़कती खबरों से आपको रूबरू कराने का। पद्मावत का बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन। 25 जनवरी को रिलीज हुई निर्देशक संजय लीला बंसाली की फिल्म पद्मावत बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कलेक्शन कर रही है। रिलीज के 10वें दिन भी इस फिल्म ने अपने कलेक्शन ग्राफ को गिरने नहीं दिया। फिल्म अब तक कुल 192 करोड़ 50 लाख रुपए कमा चुकी है। 10वें दिन पद्मावत ने रिकॉर्ड 16 करोड़ रुपए का कारोबार किया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दी पद्मावत को हरी झंडी। हाई कोर्ट से फिल्म पद्मावत को रिलीज करने के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। रविवार को छुट्टी के दिन मंत्रालय ने इसके आदेश जारी किए। मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट का ट्रेलर आज हुआ रिलीज। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की छठी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट का आज ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर में टॉम क्रूज कमाल के लग रहे हैं और हमेशा की तरह वे गजब के एक्शन कर रहे हैं। उनका लुक और एक्शन करने का अंदाज देखकर कह ही नहीं सकते कि टॉम क्रूज 55 साल के हो चुके हैं। आमिर खान ने शाहरुख और सलमान को पछाड़ बनाया ये रिकॉर्ड। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने उन चार भारतीय फिल्मों का नाम बताया है जिन्होंने अब तक 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि लिस्ट में तीन फिल्में आमिर खान की है जबकि शाहरुख और सलमान खान की फिल्में लिस्ट में शामिल जबकि शाहरुख और सलमान खान की फिल्में लिस्ट में शामिल ही नहीं है। रमेश बाला ने 4 फरवरी की सुबह ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि दंगल, बाहुबली, पीके और सीक्रेट सुपरस्टार ये वो चार भारतीय फिल्में हैं जिनकी वर्ल्ड वाइड कमाई 700 करोड़ के ऊपर हुई है। टेलीविजन का ये फेमस कपल आज बंधने जा रहे हैं शादी के बंधन में। सूर्यपुत्र कर्ण के गौतम रोड़े और द्रौपदी फेम पंखुड़ी आज बंधने जा रहे हैं शादी के बंधन में। जानकारी के मुताबिक इनकी शादी दिल्ली में होगी जो कपल का होम टाउन है। लोकमत न्यूज की तरफ से दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थी आज की एंटरटेनमेंट की खबरें। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए लोकमत न्यूज.in को।